दोस्तों आज PSL की गुड न्यूज वाला एक मैसेज बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शायद वो आप तक पहुंच चुका होगा या फिर नहीं पहुंचा है तो वेबर वर्ल्ड अभी आपको उसके बारे में बता देगा। तो दोस्तों दिल थाम कर बैठिए। आप पहली बार वेबर वर्ल्ड की इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, तो वीडियो के नीचे आप जाइए तो यहाँ पे आपको एक ऐसा सा लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन देखेगा, तो इस बटन को प्रेस कर लीजिए और साथ में आपको एक ऐसी ही एक घंटी दिखेगी। प्रेस करने के बाद एक घंटी भी दिखेगी, तो दोस्तों इस घंटी को भी आप दबा लीजिए। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं आपके लिए नई से नई तरोताजा न्यूज़ें लेके आता रहूँ तो बिग थम्स अप हो जाए तो लाइक कर दीजिए, लाइक वाले बटन को दबाकर, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और हम आपके लिए सबसे पहले अपडेट लेके आते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। अभी ये फाइल का मैंने डेट ऑफ ईयर और फाइल नंबर डाल दिया है, मैं इसको सबमिट कर रहा हूं। तो देखिए दोस्तों ये सबमिट कर दिया गया है, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा समय लग रहा है वेबसाइट को ओपन होने के लिए, क्योंकि आज 12 मई है और टाइम है 5:30 का। अभी 5:30 पर ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, लेकिन जब आप देखोगे तब टाइम कुछ और होगा, तब शायद वेबसाइट ओपन हो भी जाए, क्योंकि शायद अभी इस वक्त वेबसाइट के ऊपर कोई काम चल रहा है या फिर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन आप कभी 2 दिन के बाद 1 महीने बाद देखो तो आप बोलोगे कि सर वेबसाइट ओपन हो रही है, फेक न्यूज़ दे रही हो। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि ये 12 मई की आज की डेट है, तो इस वक्त 5:30 बजे ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। तो क्योंकि मैं ये वेबसाइट आपको इसलिए ओपन करके बता रहा हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ही वो न्यूज़ है। तो चलिए डायरेक्ट आपको आपको ले चलता हूँ उस न्यूज़ की तरफ। तो जल्दी से वीडियो को दोस्तों जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए जरूर इस वीडियो के ऊपर। दोस्तों ये है वो वायरल मैसेज, यहाँ पे लिखा है कि साथियों सुप्रीम कोर्ट में PSL ने राशि लौटाने के लिए कुछ समय मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट हो गया है कि अब PSL ही निवेशकों की राशि लौटाएगा और सहारा की तरह RM लोढ़ा कमेटी को यह समय सीमा पर निवेशकों की राशि लौटाने की प्रक्रिया चालू करेगा। PSL के डायरेक्टर्स और PSL की सहयोगी कंपनियां मिलकर इस राशि को शीघ्र ही निस्तारण करेंगी, धन्यवाद। तो इसमें लिखा है कि नेक्स्ट डेट जो है 15 मई 2018 की है, मतलब बिल्कुल 2-3 दिन के बाद 15 मई को नेक्स्ट डेट है सुप्रीम कोर्ट की। तो अभी भी वेबसाइट की तो ओपन हो नहीं रही थी, चलिए जब ओपन होगी तो हम आपको बता देंगे। तो ये गुड न्यूज़ है दोस्तों, ये बिल्कुल सामने आप देखिए, यहाँ पे लिखा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अब PSL और लोढ़ा कमेटी को ही अधिकृत किया है, वह निवेशकों का पैसा लौटाएगी, क्योंकि PSL के डायरेक्टर्स में सर्वोच्च न्यायालय में हल्फनामा देकर इस बात के लिए निवेदन किया था कि हम लोढ़ा कमेटी के नेतृत्व में इन्वेस्टर्स का पैसा लौटा देंगे, और साथ में शपथ पत्र देकर यह भी कहा है कि हमारी देनदारी 20,000 करोड़ से ऊपर नहीं है, अगर है तो भी हम चुकाएंगे। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उनके शपथ पत्र को स्वीकार कर लिया और अब सेबी का कोई लेना देना इस मामले में नहीं रहा। सेबी ने जो आरोप प्रत्यारोप लगाए थे उनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होती है और उसकी तारीख पड़ती है। PSL का निर्णय तो हो चुका और अब तो उसकी 26,500 प्रॉपर्टीज को बेचकर PSL और श्री RM लोढ़ा कमेटी निवेशकों का पैसा लौटाएगी। और हम आपको एक सूचना और देते हैं कि 30 मई को हिमाचल प्रदेश की संपत्ति की नीलामी निश्चित की गई है और उस नीलामी से जो पैसा आएगा और कुछ पैसा सेबी के पास प्रॉपर्टीज बेचकर जमा होगा हुआ है, उस पैसे से यह रिफंड की प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। यह हमारे पास सूचना है और यह हमने सुप्रीम कोर्ट की साइट पर भी देखी और निर्णय भी पढ़ा है, इसलिए हम आपको यह जानकारी दे रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये इनका बिल्कुल ये हौसले बुलंद करके ये बता रहे हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट से ये न्यूज़ ली है, सुप्रीम कोर्ट से पढ़कर हमने ये न्यूज़ जुटाई है। लेकिन यहाँ पर मेरे को थोड़ी सी अटपट जहाँ लग रही है वो है 30 मई की। तो दोस्तों 30 मई की मैं आपको थोड़ी सी याद दिला दूँ कि 30 मई 2017 को शायद सोलन में प्रॉपर्टी लास्ट टाइम जो नीलामी हुई थी वो सोलन में हुई थी। तो कहीं जिन्होंने भी ये न्यूज़ जुटाई है कहीं वे पिछली पुरानी न्यूज़ तो नहीं लेकर आए हैं कि 30 मई 2017 की उठाकर यहाँ पर बड़े अच्छे शब्दों में लिख कर बयां कर दिया हो। यह शायद हो सकता है कि ये आने वाली 2018 की 30 मई हो। अभी हम इसके बारे में कुछ भी कोई भी स्टीक जानकारी हमारे पास नहीं है, ना हम इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। हमारे पास जो न्यूज़ आई, जो अपडेट आई, जो मैसेज वायरल हुआ है वो हमने आप तक पहुंचा दिया है। जैसे इस न्यूज़ का खंडन होगा पूरी
तो दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने बाकी साथियों के साथ और बने रहिए वेबवर्क वर्ल्ड के साथ सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को ताकि आपको मिलती रहे पीएसएल की ताजा जानकारियां, और इस घंटी वाले आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों आपके फोन में होगा व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप, तो उनमें शेयर कीजिए इस वीडियो को। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए दे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। ये जो सामने दो वीडियोस दिख रही हैं, इन पर क्लिक कीजिए और देख लीजिए।